हाल ही में बीआरएस से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाने वाले साबिक एमपी पी श्रीनिवास रेड्डी की क्यादत में अशवराव पेट टाउन के सत्यासाई कल्याणा मंडपम में मुनक्किद एक इजलास में मुख्तलिफ जमातों के सैकड़ों कारकुनान ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक एम पी पी श्रीनिवास रेड्डी ने जिले भद्रादरी को तगड़म के अशवराव पेट हल्के का दौरा किया। इस मौके पर उनकी क्यादत में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता कई खानदान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर खिताब करते हुए पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी की क़यादत में इस माह खम्मम में होने वाले कांग्रेस के इजलास ने रियासत की सियासी सूरत हाल को बदल दिया है। हालांकि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने खम्मम सभा को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने कलवा कुंडला खानदान पर तनकीद की कि सुनहरे तेलंगाना के हसूल के वादे के साथ बरसर इकतदार आने वाले केसीआर के खानदान ने तेलंगाना की आवाम को मुश्किल हालात में ढकेल दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए हर कोई बेचैन है और अगर कायदीन अंतक जद्दोजहद करेंगे तो रियासत में कांग्रेस को इकतदार में लाया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि तेलंगाना में राम राज्यम कायम हो जाएगा। पार्टी कारकुनान पर होने वाले हमलों पर नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने वाजह किया है कि मुश्तरका ज़िले में कहीं भी अगर कांग्रेसी कारकुनान पर हमला होता है तो वो ज़ाती तौर पर कारकुनान के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने पुलिस अफसरान के हुकूमत के गुंडों की तरह काम करने पर नुक्ताचीनी की और उन्हें सख्त इंतबाह भी दिया।